रेंज है -40 तक भी हो सकती है, मतलब कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर आइस हो और कुछ ऐसी जगह हो तो वहाँ पर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ना वीक चीपर, दूसरी बात अल्कोहल सस्ता होता है, नॉन पॉइजनस होता है और इसलिए ये सेफ़ भी है हैंडल करने के लिए। तो इट इज़ मच बेटर देन मरकरी इन दीज टू आस्पेक्ट, इन दो मामले में तो ये मरकरी थर्मामीटर से बेटर होता है क्योंकि ये सस्ता भी होता है और नॉन पॉइजनस भी होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद अल्कोहल इज़ दैट इट कैन नॉट बी ओनली यूज फॉर मेजरिंग लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका डिसएडवांटेज यही है जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम इसकी रेंज जो है थर्मामीटर की -40 से लेकर +50 तक ही होती है, तो इसी रेंज के टेम्परेचर्स नोट कर सकते हैं। और इट कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर हायर देन 78, और 78 डिग्री से ऊपर तो ये टेम्परेचर रेंज को ये मेज़र ही नहीं कर सकता। अब आता है कि हम मरकरी वाले जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके भी कुछ एडवांटेज हैं इसीलिए भी यूज़ करते हैं। पहली बात कि मरकरी इज़ लस्ट्रस, मरकरी क्या होता है शाइनी होता है, सो इट इज़ क्लियरली विजिबल, आसानी से दिख जाता है इनसाइड द थर्मामीटर। इट टेक्स क्विक हीट क्विकली, और ये बड़ी जल्दी हीट को ले लेता है। इट शोज़ दियरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये जो है एक इसकी जो एक्सपेंशन की रेंज है, जैसे मरकरी एक्सपेंड करता है गर्मी पाके तो वो यूनिफॉर्म है, बराबर से एक्सपेंड करता है, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा हो गया, एक पहली डिग्री पे ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया, दूसरी डिग्री मेजर किया तो कम हो गया, ऐसा नहीं है। तीसरी बात, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच बिलो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो डिग्री से बहुत नीचे है, इसलिए ये काफ़ी नीचे तक के भी टेम्परेचर्स ले सकता है। इट इज़ अबाउट -39 डिग्री, जो कि -39 है तो बहुत ही नीचे हुआ। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 357 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यू कैन सी दैट इट कैन हैंडल द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इससे हम बहुत लंबी रेंज को भी मेजर कर सकते हैं। इट इज़ नॉन स्टिकी, सो डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ कैपिलरी, ये नॉन स्टिकी है इसलिए कैपिलरी की वॉल्स पे भी स्टिक नहीं करता। अब कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं, तो पहली बात कि मरकरी बीइंग कॉस्टली तो इट इज़ कॉस्टलियर। दूसरी बात, मरकरी इज़ पॉइजनस, इट इज़ पॉइजनस। मरकरी कैन नॉट बी कलेक्टेड बैक इफ़ स्पिल्ड, अगर एक बार मरकरी फैल जाती है तो उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिए भी। अब हमने ड्राई थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ा था कि ये जो है बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें थर्मियोस्टोर लगा होता है जिससे कि ये डिस्प्ले कर देते हैं एलसीडी पे टेम्परेचर। सो नाउअडेज़ दे आर वेरी कॉमन। अब आता है मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाई यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हमको क्या खास बातें ध्यान देनी चाहिए जब हम किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें इसे स्टरलाइज करना चाहिए। जब हम उसको बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो स्टरलाइजर में डालकर थोड़े कुछ फ्यू मिनट्स वी शुड स्टरलाइज, उसके बाद उसको वाइप इट ड्राई, उसको साफ पोंछ लिया जाता है। व्हाइल यूजिंग मरकरी थर्मामीटर शेक द थर्मामीटर बाय गिविंग इट अ जर्क टू ब्रिंग डाउन द मरकरी कॉलम इन कैपिलरी नियर द किंक। हमने आपको एक स्ट्रक्चर किंक बताया था, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं उससे पहले हम उस थर्मामीटर को, क्लिनिकल थर्मामीटर को जर्क दे देते हैं। जर्क से क्या होता है कि जो मरकरी का कॉलम अगर ऊपर है बाई चांस तो वो नीचे आ जाता है, तो वो बात उसकी जो एरर होने की चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी पहले किसी पेशेंट का टेम्परेचर लिया था, उसका टेम्परेचर जो है 35 से ज़्यादा था, और मतलब 38-39 पहुँच गया था, और आपने उसको जर्क करके मरकरी कॉलम नीचे नहीं किया, तो जब आप टेम्परेचर लेंगे तो आपकी रीडिंग गलत आएगी। तो इसलिए वी आर गिविंग अ जर्क टू, और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिफोर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हाई वी आर गिविंग अ जर्क टू इट, तो इसका रीज़न भी यही है। अब प्लेस द थर्मामीटर अंडर द टंग, अब थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है, या तो हम अंडर द टंग यूज़ करते हैं, और अगर कोई बच्चा है तो उस केस में हम आर्म पिट में करते हैं। जब अंडर द टंग करते हैं तो हम उसको एक मिनट के लिए वहाँ रहने देते हैं और फिर हम रीडिंग ले लेते हैं, और अंडर द पिट करते हैं तो वी विल कीप इट फॉर 2 मिनट्स। अब टेक द थर्मामीटर आउट फ्रॉम द माउथ, अब ध्यान ये रखना चाहिए कि माउथ में किसी पेशेंट के लगा रहे हैं वो अपने टीथ का इस्तेमाल ना करे उसको दबाने के लिए, क्योंकि ग्लास का बना होता है, इट कैन ब्रेक इजीली, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, हम उसको निकाल कर उसका सिल्वर लाइन जो मरकरी की है वो रेज होगी, उसको देख के रीडिंग नोट कर लेते हैं।
अब हमको जब रीडिंग लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे आई लेवल पे हो, ना तो आँख से बहुत ऊपर करके थर्मामीटर देखिए ना नीचे करके। अब प्रिकॉशंस टू बी टेकिंग वाइल मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग थर्मामीटर। अब कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब भी हम थर्मामीटर्स को यूज़ करके टेम्परेचर नोट करते हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड, पहले धो लिया जाना चाहिए, एंड वाइप्ड क्लीन बिफोर यूज, और उसको पोछ लेना चाहिए साफ से। नेवर प्लेस द थर्मामीटर इन हॉट वाटर, कभी भी इसको गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मरकरी एकदम से एक्सपेंड करेगी और बल्ब कैन ब्रेक, बल्ब जो है टूट सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें इसे कभी भी गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए। शेक और जर्क द थर्मामीटर टू ब्रिंग डाउन द मरकरी कॉलम इन द स्टेम टू मार्क नियर द किंग, और जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो पहले हमको उसको थर्मामीटर को शेक करना चाहिए, उसमें जर्क देने चाहिए, झटके से उसको नीचे मरकरी कॉलम को नीचे लाना चाहिए अप टू द किंग। वाइल मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी, अगर आप किसी लेबोरेटरी में इस मरकरी थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं और किसी लिक्विड का टेम्परेचर लेने हैं तो उस थर्मामीटर को पूरी तरह से उसके बल्ब को लिक्विड में डूबा रहना चाहिए और किसी और चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, तभी आप उस लिक्विड का सही टेम्परेचर ले पाएंगे। और इसको वर्टिकल पोजीशन, मतलब सीधी पोजीशन में खड़ा रहना है, ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल रख दिया। अब ये हो गया थर्मामीटर के बारे में, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, हाउ वी आर यूजिंग, विच इज़ बेनिफिशियल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो माय डियर चिल्ड्रन, यू शुड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इट एंड वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग इन द वर्कशीट दैट यू विल सॉल्व, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट दिस चैप्टर वेरी सून।